कॉलेज जिंदगी के वो हंसी लम्हे जो हमें हमेशा याद रहेंगे। मैं स्कूल में ये सुन के हमेशा सोचता था कि आखिर ऐसा तो क्या है इन 4 सालों में जो जिंदगी बदल दे। जैसे स्कूल के 12 साल निकले वैसे ही ये 4 साल भी गुजर जाएंगे। पर आज इस सफर के आखिरी मोड़ पर एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिंदगी तो बस यही है यारो। आई एम अ जी सेटियन और ये है मेरी कहानी। मैं कमिंग सर। यस कमिंग। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज राहुल जवेरी। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। आई एम लर्निंग इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन जीएच पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई ऑलवेज लाइक टू डू न्यू थिंग्स। माय हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक। आई एम क्रेजी अबाउट देम एंड आई ऑल्सो लाइक टू रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग चेस। Since you are here since last 4 years, so yes. Can you share few of your experiences with us? Experience? अब एक्सपीरियंस के लिए तो सर आप मुझे 1 मिनट दे या 1 साल कम ही पड़ेगा। खैर चलते हैं हमारे सफर के पहले स्टेशन की ओर। हॉस्टल में हीरोगिरी की खुशी तो थी पर माँ के हाथ के खाने का गम भी था। घर वालों को अलविदा बोलकर चल पड़ा था एक नए घर की ओर, यही सोचकर कि 4 साल यहाँ कैसे गुजरेंगे। दरवाजे पर करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। ये थी दिन की शुरुआत। डिओड्रेंट की बोतल तो जैसे पानी की तरह खत्म हो जाती थी और अगर वक्त मिल गया तो मुंह धो के आ जाते थे। क्यों इसका दर हैरान तू। पहले ही दिन एक नया राही मिल गया। मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए। खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर। तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं। क्लास में तो पहुंच गया बट यहाँ कोई। हेला वो आंखें मिली क्लास में और दिल तो हमेशा की तरह फेसबुक पे ही रह गए। अब पाठशाला की मस्ती तो हो गई। इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। चाहे हो लेक्चर में बंक या लिखना हो फाइल्स का जंक, चाहे हो 5 मिनट का ब्रेक या सेलिब्रेट करनी हो पार्टीज अनेक, ये जगह ने तो दोस्ती के मायने ही बदल दिए।
दिस इज माई अड्डा, माई एंटरटेनमेंट जोन, मेरी कैंटीन। वाकई में कॉलेज लाइफ बिना कैंटीन की मस्ती के अधूरी थी, है और हमेशा रहेगी। अब हिंदी का सफर तो बहुत तय किया, इट्स टाइम फॉर द इंग्लिश वन, SUFFER, और इसकी शुरुआत होती है सबमिशन से। चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी, हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे वो रात भर, फाइल्स लिखना वो मिडनाइट जीसी मारना, वो बिना पढ़े वाइवा में जाना और रिवाइवा आने पर हंस के बाहर आना। याद रखूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। इस सबमिशन के नाइटमेयर के बाद आता है हम सबका बाप, एग्जाम्स। कहते हैं इंजीनियरिंग इज द टफेस्ट कोर्स ऑन प्लैनेट एंड द रीजन इज एग्जाम्स। मैं कहता हूं इससे भी डिफिकल्ट चीज होती है एग्जाम्स की तैयारी। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यार घड़ी के कांटे भागे। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, रात भर किताब मेरी मुझे घूरती रही, नींद मुझे अपनी ओर खींचती रही, ठंडी हवा का झोंका मेरे मन को मोह गया और एक रात फिर ये इंजीनियर बिना पढ़े ही सो गया। सुबह आंख खुली और मेरी फटी, जैसे तैसे पास होने की आशा लिए चल पड़े हम, भगवान को दो नारियल और एक बोतल दूध की स्कीम देकर एग्जाम लिखने चल पड़े हम। कितने सिक्के जोड़े सबको ये चिंता है, जीवन है एक बैंक पल पल को गिनता है। इस तरह लेक्चर्स बदलते गए, प्रोफेसर्स बदलते गए और मैं फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच पे प्रमोट हो गया। जैसे बिना नमक की सब्जी में स्वाद नहीं होता, वैसे ही बिना नौकरी के इंजीनियर पे किसी को नाज नहीं होता। वायरस ने कहा था लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के चला जाएगा। यही रेस के लास्ट चेक पॉइंट पे हम खड़े थे, द इंटरव्यूज। इट वॉज टाइम टू प्रूव आवरसेल्व्स। हाथों में रेज्यूम और फॉर्मल्स में तैयार, दिलों में उम्मीद लिए सब हो गए थे इंटरव्यूज के लिए तैयार। और तभी मिस्टर जवेरी प्लीज कम इन। May I come in, sir? Well, it must have been a nice experience. Thank you, Mr. Zaveri. Nice meeting you. ये थी मेरी कहानी, ये है G-Set, मेरी कॉलेज, मेरी जिंदगी, मेरा घर।
वो कैंटीन में नाश्ते का खर्चा, वो सबमिशन के नाम पे मास्टर कॉपी की चर्चा, वो बंक मारना रोज के तीन, और फिर घर पे बसती थी अटेंडेंस की बीन, वो पार्टीज में दोस्तों को लूटना, और जरूर पड़ने पर इन्हीं दोस्तों के लिए जान लुटाना, ना फटती थी किसी के बाप से, पर डरते थे एग्जाम के नाम से। ये कैंपस हमेशा याद रहेगा, जीसेट में बिताया हर एक पल याद रहेगा। दीज आर द गोल्डन डेज, दीज फोर इयर्स विल मेक द नेक्स्ट 40 इयर्स ऑफ योर लाइफ। चेरिश देम, लिव देम एंड मेक इट काउंट, क्योंकि ये पल कभी लौट के ना आएंगे। वाकई में जिंदगी तो बस यही है यारो, बस यही है।